हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो इन्फ्लुएंसर। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम का सेकेंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन और फाइलम पॉलीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। दैट इज, क्लासिफिकेशन क्यों होता है, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है। हम आज के इस वीडियो में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start with the first topic, that is phylum, I mean classification of animals. So classification of animals में first phylum आता है phylum Porifera, second phylum Coelenterata, third phylum Ctenophora, fourth phylum Platyhelminths, fifth phylum Aeschylemynths, sixth phylum Annelida, seventh phylum Arthropoda, eighth phylum Mollusca, ninth phylum Echinodermata, 10th phylum Hemichordata and the last is phylum Chordata. So ये जो animal kingdom है, ये total 11 phylums में divided है। So हम Porifera से लेके Hemichordata तक हम ये phylums को non-chordates में consider करते हैं, whereas Chordata को हम chordates में consider करते हैं। So let's start with the first topic, that is phylum Porifera. So, जैसे कि आप इस वीडियो में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ एक्वेटिक मरीन एंड सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। आप ये जो ओपनिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लार्ज ओपनिंग, दे आर कॉल्ड एज ऑस्कुलम, जिसके थ्रू वॉटर बाहर आता है। लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट देम। So, जो मेंबर्स ऑफ फाइलम Porifera, हम उन्हें स्पॉन्जेस बुलाते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब, अगर हम उन्हें सेंटर से डिवाइड करेंगे, जो उनके दो पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे। स्पॉन्जेस एक प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव का मतलब दे आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट शो कॉम्प्लेक्स सेलुलर इंटरैक्शन। अगर हम ये पिक्चर को ऑब्जर्व करें, सो दे शो प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट ओपनिंग और पोर्स, विच इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है इनसाइड द स्पॉन्ज। अगर हम इन्हें जूम आउट करें या इनका कुछ सेक्शन देखें, सो इंटरनली ये कुछ ऐसे दिखते हैं। दैट इज, दे आर लाइन इंटरनली विद सम फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब ये जो आपको ऑस्टिया दिख रहा है, वाटर इस ऑस्टिया से एंटर करता है इनसाइड द कैविटी। ये कैविटी को, दिस कैविटी वी कॉल इट एज स्पॉन्जोसील। अब वाटर जब एंटर करता है, वो अपने साथ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लाता है। अब ये जो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स है, दे आर डाइजेस्टेड बाय द सेल्स इंटरनली लाइनिंग। अब ये डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है, ये रिमूव होता है थ्रू ऑस्क्यूलम। ऐसे टाइप को सिस्टम को वी कॉल्ड इट एज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कनाल सिस्टम। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कनाल सिस्टम है, ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल में। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम Porifera। अब हम ये जो कुछ सेल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो स्पॉन्जोसील को लाइन है, इट इज कॉल्ड एज क्वेनोसाइट्स। अगर हम क्वेनोसाइट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये कुछ ऐसा दिखता है। जो क्वेनोसाइट्स है, दे लाइन स्पॉन्जोसील और इंटरनल बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। इनके दो मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, दे क्रिएट वॉटर करंट थ्रू बिकॉज ऑफ विच वॉटर एंटर्स एंड एग्जिट। और उसका दूसरा फंक्शन है, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फूड सेल्स, अलग अलग सेल्स कैप्चर कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो डाइजेशन है, इट इज ऑफ इंट्रासेल्युलर टाइप। इंट्रासेल्युलर टाइप का मतलब, अगर मैं बेसिक टर्म्स में बोलूँ, ये ऑर्गेनिज्म कोई भी टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम शो नहीं करते। यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन है, वो इंडिविजुअल सेल्स करते हैं। अगर मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, सो इंटरनली दे आर सपोर्टेड बाय
पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स और हम इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स बुलाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज रिप्रोडक्शन। सो स्पॉन्ज जो है दे आर बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल का मतलब द मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे और फर्दर दे विल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वहीं एसेक्सुअल के केस में दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट स्पॉन्ज का फ्रेगमेंटाइज हो गया सो ईच बॉडी पार्ट ईच फ्रेगमेंटेड बॉडी पार्ट ऑफ स्पॉन्ज विल जनरेट होल न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इज फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें सो स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दे फर्टिलाइज इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इज डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जो लार्वल स्टेज है और एडल्ट स्टेज है दे बोथ आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। कंप्लीटली डिस्टिंक्ट का मतलब लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होंगे, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगा। लास्ट हम डिस्कस करेंगे इज अबाउट एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइकॉन एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू स्पॉन्जिया ऑल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।